आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएस। इसराइल और फलस्तीन की आपस में जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन जंग बंदी के बाद वहां के जो मनाजिर हैं इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पेश कर रहे हैं। लोग अपने घर जो मिसाइलों और रॉकेट के हमलों से तबाह हो गए थे, अपनी चीजें लोग तलाश करते फिर रहे हैं और उन्हें समेटते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वो उन चीजों को लेकर कहाँ जाएं, क्या अपने तबाह हाल और टूटे फूटे घरों में रखें या उनको उत्पाद या सड़कों में रखें। Most of the residential neighborhood here have been destroyed, but the people have come back home. They're trying to gather what is left from their lives. They know daily basis, so they don't have a regular income or a regular Turk khabar agency ne ye bataya hai ki kal jumme ke time jumme ki namaz padh ke jab palestini namazi masjid se बाहर निकल रहे थे तो इसराइली फौजियों ने एक दफा फिर उनके ऊपर फायरिंग खोल दी। अभी जंगबंदी मुआयदा हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इसराइल की तरफ से ये वाकया बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है और इस सोच में लोगों को मुबतला कर दिया है कि क्या ये वाकया ही जंगबंदी थी, क्योंकि इसराइली फौजियों की तरफ से इस बेईमाना फायरिंग के बाद जो फलस्तीनी है वहाँ पे फिर कोहो हराज की कैफियत पैदा हो गई है और फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे जंग दोबारा शुरू हो सकती है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपने सार्फीन की तस्दीक का अमल दोबारा से शुरू कर दिया है। ट्विटर ये चाहता है कि उसके ऊपर मौजूद जितने भी सार्फीन हैं उनका मुकम्मल डाटा इकट्ठा किया जाए और ये तस्दीक की जाए कि क्या जो सार्फ उनका नेटवर्क यूज कर रहा है वो वाकया ही सही सार्फ है। इस डाटे में उसका नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, लेकिन ट्विटर ने इस हवाले से एक शर्त और रखी है और वो शर्त ये है कि जो सार्फ भी ये डेटा फिल करेगा वो कम से कम 6 महीने से ट्विटर के अकाउंट पर एक्टिव भी रहा हो। ये शर्त भी लागू करने के बाद ट्विटर जो है उसको अपनी सेटिंग में जाके ऑप्शन देता है जहां पर जाकर सार्फ जो है वो अपना डिटेल डाल सकता है। याद रहे कि नवंबर 2017 में भी ट्विटर ने ये प्रोसेस शुरू किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद की वजह से तब ये प्रोसेस बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये प्रोसेस दोबारा से शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन अब चलते हैं जरा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ताज़ा तरीन बयान की जानिब। शाह महमूद कुरैशी ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो जंगबंदी मुआहदा है उसको सराहा है और उन्होंने ये कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये मुआहदा जो हुआ है ये बहुत देरपा होगा और इलाके में अमन को कायम रखने में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। शाह महमूद कुरैशी का इस वायदे से इतना ज़्यादा मुतमईन होना और इसको सराहना एक अच्छी इलामत है, लेकिन आपको जैसा कि हमने आज की खबरों में पहले भी बताया कि इसराइल जो है मस्जिद अक्सा से निकलने वाले नमाजियों पर फायरिंग कर चुका है जो बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस पर भी लाजमी बात करना चाहिए। इसराइल और फलस्तीन में जो जंग बंदी मुआहदा हुआ है फलस्तीनी उस पर खुश हैं, यही वजह है कि वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने नारे लगाए और वो झूमते और गाते रहे। उनके नज़दीक इस तरह की जंगबंदी का जो मुआहदा है वो हमारी फतह है और आलमी बरादरी को भी ये बावर हो चुका है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और फलस्तीन हक पर खड़ा है, तभी तो आलमी बरादरी ने अपनी भरपूर कोशिशों से यहाँ जंगबंदी कराई। दारुल हुकूमत अमान में अवाम की बहुत बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई।
लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनके सड़कों पर आने की वजह क्या थी? जी हाँ, फलस्तीन का वायदा और फलस्तीन के हक में उर्दन के अवाम ना सिर्फ नारे लगा रहे थे बल्कि वो बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे। ये मुजाहरे इस बात के गुमाज हैं और इस बात का एक तरफ इशारा करते हैं कि उर्दन के अवाम जो हैं वो फलस्तीनियों के साथ बहुत जुड़े हुए हैं और उनसे दिली मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पर उर्दन के अवाम ने हुकूमत से भी एक मुतालबा किया है और उनका मुतालबा ये है कि उर्दन और इसराइल के दरमियान जो गैस मुआहदा है उसको फौरी तौर पर के दौरान एक शख्स ने मिंबर पर चढ़ने की कोशिश की। इस कोशिश के दौरान इमाम काबा के ऊपर उसकी जारहियत से ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके ऊपर हमला कर देगा, लेकिन एन उस वक्त पर सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़े और उन्होंने उस शख्स पर काबू पा लिया। ये वाकया मामूली करार नहीं दिया जा रहा बल्कि इस वाकये पर बहुत सारे लोगों की नजर है और इंतजार किया जा रहा है कि वो शख्स अपने बयान में क्या कहेगा कि उसने ये हरकत क्यों की। जहां बहुत सारे ममालिक में फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए, मार्च किए गए, मुजाहरे किए गए, वहां ही एक और मुस्लिम मुल्क बांग्लादेश भी पीछे नहीं रहा बल्कि उसके इलाकों नारायणिंग और चट्टग्राम में भी इसी तरह के जुलूस नजर आए और वहां पर फलस्तीन के हक में बहुत सारे नारेबाजी भी की गई और अवाम ने अपने जोश व खरोश से यह साबित किया कि वो भी फलस्तीन से मोहब्बत करते हैं। चलते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की तरफ और देखते हैं कि इमरान खान साहब भी किसी से पीछे ना रहते हुए फलस्तीन के हवाले से अपनी स्पीच में, तकरीर में क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कना अब्दुल्लाह या कना स्ताइन। मुझे आज बड़ी खुशी है कि जिस तरह मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी जिस तरह आज फलस्तीनियों की हमायत के लिए निकले और जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी आज निशानदेही की और उसकी मजम्मत की, मैं आपको सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जब से इसराइल बना, पाकिस्तान का हमेशा एक ही स्टैंड रहा है और वो स्टैंड था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे अजीम लीडर, कि फ़लस्तीनियों से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने फलस्तीनियों के साथ खड़े रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने जहां बहुत सारी बातें की, चीन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि चीन जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है और चीन की इस दोस्ती पर हमें हमेशा फख्र रहेगा। हम सेलिब्रेट हम कर रहे हैं कि 70 साल पाकिस्तान चाइना की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हुए थे 70 साल पहले, वो दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारी बड़ी एक
यूनिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, और एक अब वो एक ऐसी रिलेशनशिप बन चुकी है कि एक तो मुसलमान दुनिया से रिलेशनशिप है, वो तो एक हमारी। नाज़रीन, आप देख रहे थे देसी टीवी यूएसए पर आज की ताज़ा तरीन खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आज की खबरों से भी आपको न सिर्फ मुफीद मालूम बल्कि नई खबरें और नई मालूम भी मिली होंगी। इसी लिए आपको हमेशा हम कहते हैं कि आप नई खबरों और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें देसी टीवी यूएसए से, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।